成了夕阳，是谁的乡音在梦里吟唱？船上满负荷的，装载着友谊，和睦的汉子那么的走着短发。तुम्हारी माँ बाप को तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही होगी। मजाक छोड़ो और अब चलो मेरे साथ कबाब बनाने में मदद करो। मुझे कबाब बनाने नहीं आते, छोड़ो मुझे, छोड़ो। कप, मेरा कप, कप। अरे नहीं, अब क्या होगा? टेन मोको कप। अरे नहीं नहीं नहीं, अब तो पक्का टूट गया होगा। अगर ये टूट गया तो मैं कभी घर नहीं जा पाऊंगा, कभी नहीं जा पाऊंगा। तुमने भी देखा ना, मुझे उस किताब में कप बना दिखा और उस किताब में कुछ लिखा भी था। कहीं कप की ताकत उजागर करने वाली बात जिस किताब में लिखी है वही तो नहीं थी? हो सकता है वो उसी मंदिर में हो। पर ये मंदिर कहाँ होगा और वो पहाड़ न जाने कहाँ होगा? वो सिन्हाला है कैप्टन। अंकल वेंकाय, नियोमा, आप सब यहाँ? इतना बड़ा त्योहार है आज, हम आज का ये जश्न तुम दोनों के साथ मनाना चाहते थे। सच्ची, क्या बात है, हमें भी आपकी बहुत याद आ रही थी। अच्छा हुआ आप आ गए। पर कैप्टन जरा रुकिए, आपने तो कहा वो सिन्हाला था, तो फिर ये कहाँ है? सिन्हाला या सिन्हाला का साम्राज्य पश्चिम की तरफ है। उस पहाड़ का नाम है श्रीपदा और ये सिन्हाला साम्राज्य का सबसे ऊँचा पहाड़ है। सिन्हाला या श्रीपदा? अच्छा अब समझा, सिन्हाला वही जगह है जहाँ से फैक्सियन ने सूत्र सीखने के बाद चाइना का सफर किया था। हमारे समय में इसे श्रीलंका कहते हैं और उस पहाड़ को एडम्स पीक कहते हैं। वाह, आखिरकार हमें इसका पता चल ही गया। यानी अगर हम श्रीलंका जाकर उस किताब को ढूंढ ले तो मैं वापस घर जा सकता हूँ। अब सपने देखना छोड़ दो, सिन्हाला तो यहाँ से बहुत दूर है। कैप्टन और बाकी सब थके हुए होंगे, इसीलिए इन्हें आराम करने दो, मैं सबको कबाब खिलाती हूँ। किंजा, तुमने मुझे फिर मारा, याद रखो मैं सब गिन रहा हूँ। सही कहा नियोमा। अंकल वेंकाय, आज इतना बड़ा दिन है और मुझे बहुत खुशी है कि हम सब एक साथ हैं। चलिए खुशी मनाएं। बिल्कुल।
अंकल वानकाई, थोड़ा पानी पी लीजिए। और ये लीजिए, मैंने आपके लिए सबसे अच्छे कबाब चुने हैं, जरा इसे खा के देखिए। शावशी, आज तुम मुझे इतना मक्खन क्यों लगा रहे हो? कहीं तुम्हें मुझसे कोई काम तो नहीं? अंकल वानकाई, मैंने सुना है हमारे सेरेमिक और रेशम को पश्चिम में बहुत पसंद किया जाता है, तो क्यों ना हम इस बार पैसे बनाने पश्चिम की ओर चले। पश्चिम की ओर? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। पर क्यों नहीं अंकल वानकाई? वो बहुत दूर है, पहुँचने में कई साल लगेंगे, और अगर सफर खतरनाक हुआ तो रास्ते में कुछ भी हो सकता है। मैं अभी मरना नहीं चाहता। नहीं नहीं, नहीं जाऊंगा। अंकल वानकाई सुनिए तो, सिन्हाला को रत्नों का देश कहा जाता है, वहाँ कई तरह के रत्न पाए जाते हैं, अगर आप वहाँ नहीं गए तो पछताएंगे। तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो बच्चे, पश्चिम में जाना बहुत ही खतरनाक होता है, तुम मुझे नहीं मना सकते। तो फिर ठीक है, मैं किसी और के जहाज में चला जाऊंगा। अंकल वानकाई, आप शौशी को क्यों तंग कर रहे हैं? अब मजाक करना छोड़िए और इसे हमारी योजना की पूरी जानकारी दे दीजिए। क्या मजाक, कैसी योजना? हुजूर फैन, हमारे यहाँ आने की एक और वजह थी आपसे मदद मांगना। बताइए कैसी मदद शैन वानकाई? तो ठीक है, 2 हफ्ते पहले एक पर्शिया का कारोबारी मेरे जहाज पर आया था। वो लिखनाते से आया था और बादशाह अबूर का अच्छा दोस्त था। उसने कहा कि बादशाह की बेटी की शादी होने वाली है और इसलिए बादशाह ने उस कारोबारी को जिंगदे से नीले सफेद पोर्सेलेन के बर्तन लाने को कहा है। मैं तो अभी अभी लंबे सफर से लौट आया हूँ, मैंने दोबारा सफर पर जाने का नहीं सोचा है। सिटोंग में और भी कारोबारी हैं। आप ये काम मुझसे ही क्यों करवाना चाहते हैं? क्योंकि आप सबसे ज्यादा भरोसेमंद है। अच्छा, शुक्रिया। मैं ये खुश करने के लिए नहीं कह रहा, आप लोगों ने मिलकर जावा और चेनला की जंग रोक दी, आपके ये किस्से यहाँ आग की तरह फैल चुके हैं। अगर हो सके तो मेरा भी ये काम कर दीजिए, मैं बादशाह अबूर की तरफ से आपको पहले ही शुक्रिया कर देता हूँ। अच्छा ठीक है, आपका शुक्रिया। ये रहे आपके पैसे, बर्तन करमान पहुँचने के बाद आप इसमें जितने चाहे पैसे भर सकते हैं। बादशाह अबूर आपको मुँह मांगी कीमत देंगे। क्या, मुँह मांगी कीमत? अरे वाह, मुझे नहीं पता था पुराने जमाने में भी लोग चेक इस्तेमाल करते थे। इसे अदला बदली पर्ची कहते हैं, तुम इसके बारे में जानते हो? मैं तुम्हें बताता हूँ, कारोबारी का इतने सारे पैसे लेकर घूमना खतरनाक हो सकता है, चोरी हो सकती है, इन पर्चियों की मदद से वो खतरा नहीं रहता, कारोबार में ये बहुत काम आती है। ओ ऐसा है। अंकल वानकाई, अब जब आप मान ही गए हैं तो चलिए ना सफर पर निकलते हैं। क्या अभी? पहले हमें बादशाह के लिए सिरेमिक के बर्तन बनाने होंगे, ऐसे ही नहीं जा सकते। अच्छा हाँ, मैं तो भूल ही गया था। शावशी, तुम फिक्र मत करो, हमें पश्चिम में जाने के लिए सर्दियों की उत्तर पूर्वी हवा की जरूरत पड़ेगी, और सर्दियाँ आने में अभी कुछ समय बाकी है, तब तक हम यहाँ रुककर किंजर के दादाजी की मदद करते हैं। हाँ ये तो सही रहेगा, मैं हमेशा से यही सीखना चाहता था। वाह क्या बात है दादाजी, मैं आपके लिए नीला पत्थर ले आई हूँ, उसकी मदद से हम नीले और सफेद बर्तन बना सकते हैं। हाँ बिल्कुल, वैसे भी मेरे लड़के गए हुए हैं, तुम सबकी मदद से काम जल्दी हो जाएगा। और इस तरह हम सब नीले सफेद पोर्सेलेन के बर्तन बनाने में लग गए। जिंजर के दादाजी के कहने पर हमने छोटी सी प्रोडक्शन लाइन बना ली और हमने आपस में काम बांट लिया। मुझे नहीं पता था सेरेमिक के बर्तन बनाने के 72 स्टेप्स होते हैं। दादाजी ने बताया यहाँ दुनिया भर से कारीगर आते हैं और इनके बर्तन भी दूर दूर जाते हैं,
इस गांव के बेशकीमती बर्तन दुनिया के अलग अलग कोने में आज भी महफूज हैं और इसीलिए जिंगड़े सेरामिक बर्तन बनाने के मामले में इतना मशहूर है। दादाजी ने बताया कि इन बर्तनों को बनाते वक्त सबसे मुश्किल होता है तापमान सही रखना। अगर तापमान ज्यादा हुआ तो बर्तन चटक जाएंगे और तापमान बहुत कम हुआ तो मिट्टी पोर्सेलेन नहीं बन पाएगी। अगर इन बर्तनों को चमकदार और सफेद बनाना है तो समय और तापमान एकदम ठीक रखना जरूरी है। उम्मीद है हम सब मिलकर इन्हें अच्छे से बना सकेंगे। नीचे रखो, जल्दी करो, हमें यहां से निकलना ही होगा। और जोर लगाओ। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। चलिए यहाँ से। इन छिपकलियों को तो एक दिन भून कर मैं खा जाऊंगा। सरदार, वो बहुत ताकतवर है, चमड़ी भी मोटी है, हम उन्हें नहीं हरा सकते। हाँ, सही कहा, हम 100 बार कोशिश करके देख चुके हैं। क्या करूं, उस बदमाश शाओशी की वजह से हम इस मुसीबत में फंस गए हैं। पापा, क्या? निकलने का एक रास्ता है। कैसा रास्ता? किनारे पर तो छिपकलियों का कब्जा है, इससे अच्छा होगा हम नाव को पहाड़ से लुढ़काते हुए ले जाएं। हाँ, पहाड़ से लुढ़काकर। पापा, यहाँ से निकलने का यही एक रास्ता है। सरदार, छिपकलियाँ ऊपर आ रही हैं। पापा जल्दी करिए, वो आ रही है। बैठो सब। रंगना, तुमने तो वाकई कमाल कर दिया, तुम मेरी समझदार बेटी हो। सुनो, चलो लुटेरों की टापू की ओर। वाह, कितना खूबसूरत है। वाह, हमने कर दिखाया। किंजो, अच्छा हुआ तुम नीला पत्थर ले आई थी। दादाजी, क्या हुआ, आप खुश नहीं लग रहे? हाँ, क्या हुआ? हमने पोर्सेलेन तो ठीक ठाक ही बनाया है, पर ये उतना भी खूबसूरत नहीं है। ये खूबसूरत नहीं है, पर मुझे तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। असली पोर्सेलेन नीला, सफेद और बहुत चमकदार होता है, बिल्कुल नीलम जैसा। उसमें चमक होती है पर चौंधियाने वाली नहीं, रंग होता है पर ठोस। उसको देखकर आंखें फटी की फटी रह जाती है। उससे ज्यादा खूबसूरत कुछ नहीं होता। दादाजी, हमसे क्या गलती हो गई? क्या हमने तापमान सही नहीं रखा था? तापमान की गड़बड़ नहीं हुई है, ये गड़बड़ तो क्या हुआ है? मुझे पता है क्या हुआ है। दरअसल ये गलती उस पत्थर की है, वो असली नीला पत्थर नहीं था। ये कैसे हो सकता है?
राजकुमारी लामे और राजकुमार उतामा ने ये पत्थर तुम्हारे लिए जावा से मंगवाया था, फिर ये नकली कैसे हो सकता है? शाओशी, इसमें उन दोनों की कोई गलती नहीं है। इस दुनिया में नीले रंग के पत्थर कई जगहों पर मिलते हैं, पर भट्टी में पकाने के बाद सबके रंग अलग अलग उभरते हैं। शायद मैं ही गलत सोचता था, असली नीला पत्थर जावा से नहीं आता। किंजा, तुम दुखी मत हो। इस बार हम नाकाम जरूर रहे, पर हम दोबारा कोशिश कर सकते हैं, कभी तो कामयाब होंगे। कामयाब होने के लिए हमें असली पत्थर चाहिए, पर दादाजी बूढ़े हो रहे हैं, उनकी सेहत भी ठीक नहीं रहती। मुझे डर है कि शायद वो अपना सपना पूरा ना कर पाए। मैं भी कितना बुद्धू हूँ, पहले स्मार्ट वॉच क्यों नहीं चेक की? इससे पता चल जाता वो नीला पत्थर कहाँ होता है। हाँ शाओशी, तुम्हें कुछ पता चला क्या? बताओ ना। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, हमारे समय के लोगों को भी नहीं पता असली नीला पत्थर कहाँ मिल सकता है। पर ज्यादातर लोगों का मानना है कि ये नीला पत्थर मिडिल ईस्ट के इलाकों से आता है। मिडिल ईस्ट? पर वो कहाँ आता है? मेरे हिसाब से तुम लोग उसे पर्शिया के नाम से जानते हो। क्या कहा, पर्शिया? हाँ किंजा, क्यों ना हम लोग साथ में पश्चिम की ओर चलें, चलकर असली पत्थर ढूंढते हैं। लुटेरों का टापू, मैं लौट आया हूँ। सरदार आ रहे हैं। सरदार आ गए। सरदार थानों की जय हो। सरदार थानों की जय हो। सरदार थानों की जय हो। अरे सरदार, अरे सरदार जिंदा है। सरदार क्यों लौट आए? सरदार आ गए। क्या ये जिंदा है? यकीन नहीं होता। सरदार सिगरेट, आपको देख के बहुत खुशी हो रही है। हम ड्रैगन टापू पर फंसे हुए थे और तुमने हमारे लिए मदद भी नहीं भेजी, और मेरी कुर्सी भी हथिया ली। हाँ, लगता है तुम मरना चाहते हो। बोलो सरदार, मेरी बात तो सुनिए, मुझे छोड़िए। इस गद्दार को अभी के अभी समंदर में फेंक दो। जे हो जे सरदार। सरदार मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आपका साम्राज्य बनाने का एक रास्ता पता है। सरदार मेरी बात तो सुनिए, मुझे छोड़िए, अगर आपको मेरी तरकीब पसंद ना आए तो मुझे मरवा दीजिएगा। रुक जाओ, बोलने दो इसे। शुक्रिया सरदार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बहुत पुरानी किताब में लिखा था, टेन मोको का बाहरी दुनिया से आए पत्थर से बना है, उसमें जादुई ताकत है। अगर वो कप हमें मिल जाए तो हम उसकी ताकत से समुद्र पर कब्जा कर सकते हैं। सरदार क्या बकवास है, वांग दयान और उसके साथ ही चाइना लौट चुके हैं, तो अब क्या उस कप के लिए हम चाइना जाएंगे? मैंने वांग दयान के बारे में पता लगाने के लिए कुछ जासूस छोड़े हैं, उन्होंने खबर दी है कि वो कप अब भी उस बच्चे शाओशी के पास ही है, और उससे भी बड़ी खबर ये कि वो दोबारा समुद्री सफर पर निकलने वाले हैं। ये समय उन पर हमला करने के लिए बिल्कुल सही है। आप सोच क्या रहे हैं सरदार? ये सब क्या सच है, बोलो। मुझे झूठ बोलकर अपनी जान थोड़ी गंवानी है। अच्छी बात है, मैं तुम्हारी जान बख्श देता हूँ। शुक्रिया सरदार। इस बार हम कप को हासिल करेंगे और अपना बदला भी लेंगे। कप वापस लाएंगे, अपना बदला जरूर लेंगे। कप वापस लाएंगे, अपना बदला लेंगे। दादाजी अब हमें जाना होगा, आप भी घर लौट जाइए। किंजर अपना बराबर से ख्याल रखना। जरूर रखूंगी, आप भी अपना ध्यान रखिएगा। हाँ, अरे हाँ याद आया, किंजर ये अपने साथ ले जाओ। हाँ दादाजी, ये क्या है? ये हमारे घर की मिट्टी है,
तुम कितनी भी दूर चली जाओ, हमारी मिट्टी से बना ये बर्तन तुम्हें सही सलामत वापस घर लेकर आएगा। दादाजी, मैं आपके लिए वो पत्थर लेकर आऊंगी और सही सलामत अपने घर लौटूंगी। किंजा, चलो चलते हैं। कैप्टन, उत्तर पूर्वी हवा चल रही है, तैयार हो जाओ। जी कैप्टन। टोंग फिर से सफर पर निकल चुका है। इस बार हम और बड़े और दूर दराज के समंदर की ओर जा रहे हैं। हमारे इस सफर में किसी भी खतरे का सामना करना पड़े, पर हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता।